क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, IPL 2019 के एक और रोमांचक मुकाबले में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को उन्हीं के घर में जाकर मात दे दी है। मुंबई से मिले 156 रनों का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत बेहद ही ज्यादा खराब रही, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेल रहे थे। इसी वजह से चेन्नई की टीम मैच की शुरुआत से ही दबाव में चल रही थी और इसका प्रभाव चेन्नई के बल्लेबाज पर पड़ा। चेन्नई की टीम में कोई भी अनुभवी खिलाड़ी नहीं होने की वजह से पूरी टीम मुंबई जैसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप के सामने डगमगाती हुई दिखी। खुद कप्तान सुरेश रैना भी इस मुकाबले में चेन्नई के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। सुरेश रैना ने इस मुकाबले में सिर्फ 4 गेंदों में 2 ही रन बनाए। वहीं चेन्नई की तरफ से मुरली विजय ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो 30 का आंकड़ा पार कर पाए, वरना कोई भी चेन्नई का बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाया और चेन्नई को मुंबई के खिलाफ इस दूसरे मुकाबले में भी हार का मुंह देखना पड़ा। इससे पहले मुंबई ने चेन्नई को रोहित शर्मा के अर्धशतक के बलबूते पर 155 रनों का एक अच्छा स्कोर दिया था, लेकिन चेन्नई इस मुकाबले में 46 रनों से हार गई। इस मुकाबले में लसिथ मलिंगा ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए और यही चेन्नई की हार का सबसे बड़ा कारण रहा। तो दोस्तों, क्या आपके मुताबिक धोनी के बिना चेन्नई यह IPL का खिताब जीतने में सफल रहेगी? हाँ या ना, आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।